नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद न्यू वीडियो। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट ऑफ विदाउट, बट फर्स्टली आई वांट टू से समथिंग विद माय हार्ट्स, नॉट वर्ड, विद माय हार्ट्स। सो हु इज द सब्सक्राइबर ऑफ माय चैनल एंड हु इज द वॉच माय वीडियो व्यूअर्स ऑल्सो, दैट यू डोंट सब्सक्राइब माय चैनल, दैट्स इट्स ओके। You don't like my video, that's also okay. But please, you will share this video. Whose person that need this video? Whose person they want to learn English spoken, but they have to no money to pay the course, to join the course. So let's start. So today, we will learn use of without. What the meaning of without? What the meaning of with? Without. Ke bina. We will pronounce without, not without. Without. And that's meaning is ke bina. We cannot live without water. हम लोग पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। अभी मैं ट्राई करता हूं कि जितने भी एग्जांपल्स है उसके जो मीनिंग्स है उसको मैं हिंदी में समझाऊंगा, वरना पता चलेगा बहुत सारे लोगों को इंग्लिश समझ नहीं आ रही है और जितने भी सब्सक्राइबर और व्यूअर्स है वो बोलेंगे भाई चाट क्यों रहा है यार, हिंदी में समझा दे। बात तो सही है। तो नेक्स्ट जो है, आई विल गो विदाउट माई फादर। हम लोग जब बड़े हो जाते हैं ना, हम लोग जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, जब हमको लगता है कि अब हम बड़े हो गए, तो हम लोग कई बार अपने फैमिली को, अपने फादर्स को, मदर्स को बोलते हैं, अरे अब मैं बड़ा हो गया हूं, मैं वहां जा सकता हूँ, खुद से जा सकता हूँ। तो आई विल गो विदाउट माई फादर, मैं अपने पिताजी के बिना चला जाऊंगा। लास्ट बट नॉट लिस्ट क्या है ये? बट नॉट लिस्ट का मतलब मैं इसको सोच रहा था रखू या ना रखू, फिर मुझे आएगा चलो इसको रख ही लेता हूं, सेट कर ही लेता हूं। तो क्या है? आई कांट लिव विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता हूं। भाई फर्स्ट में मैंने एग्जांपल दिया वाटर, ये बात सही है, पानी के बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। बट बहुत सारे बालक लोग हैं जो बोलते हैं बहुत सारी कन्याओं को कि I can't live without you. Please don't leave me. मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता हूं, प्लीज मुझे मत छोड़ो। कुछ भी हो रहा है, देख रहे हॉर्न पे पे पे। जब भी वीडियो बनाओ ऐसे ही होता है, ट्रेन आ जाएगी, मतलब ट्रक आ जाएगा, ये दुख काहे नहीं खत्म होता है बे? साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे? मीम डाल दूंगा मैं, पक्का मीम डाल दूंगा यहाँ पे। सो बहुत सिंपल सा यूज है विदाउट का, और इसका मतलब होता है के बिना। आई होप आप लोग इस चीज को समझ चुके होंगे। और ये अब मैं ना ऐसे प्रीपोजिशंस का क्लासेस दे रहा हूं कि जिसको हम लोग रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं बट उसका इंग्लिश मीनिंग नहीं जानते, या फिर वैसे इंग्लिश मीनिंग को हम लोग यूज करते हैं बट उसका हिंदी मीनिंग नहीं जानते, तो उसका यूज सिखाने का ट्राई कर रहा हूं। तो आई होप अगर आपको विदाउट समझ आ गया होगा तो आप लोगों को पता है ना मैंने फर्स्ट में क्या, आप चैनल को सब्सक्राइब मत करो चलेगा, आप वीडियो को लाइक मत करो चलेगा, बट प्लीज इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाओ जिन लोगों को इस वीडियो की नीड है, जो एक्चुअल में स्पोकन सीखना चाहते हैं। चलो बाय बाय, मिलते हैं कल नहीं परसों फिर से एक नए वीडियो के साथ।